संबित पात्रा, मेरा सवाल आपसे, यह फैसला क्यों कि असम में मदरसों को बंद किया जाए, उनको सरकारी स्कूलों में तब्दील कर दिया जाए, और जहां उनको सरकारी स्कूल में तब्दील ना किया जा सके वहां शिक्षकों को सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए? देखिए रोहित भाई, मैं चार बिंदु यहां पर बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा देता हूं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। पहला बिंदु है, यह विषय शुरू क्यों हुआ, क्योंकि कुछ बाइबल के भी जो शिक्षक थे, कुछ ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों ने इसी बुनियाद पर कि चूंकि आप मदरसा खोल करके वहां पर कुरान की शिक्षा दी जा रही है, उन्होंने आसाम सरकार को अप्रोच किया कि हम भी उसी लाइन पर ग्रांट इन एड चाहते हैं ताकि हम बाइबल की शिक्षा भी दे सके। तब यह पूरा मुद्दा खुला और आज ये निर्णय हुआ है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से संभव नहीं है कि बाइबल भी पढ़ाया जाएगा, फिर भगवद गीता के लिए अलग स्कूल खुलेंगी, फिर कुरान के लिए अलग स्कूल खुलेंगी। दूसरी बात है, मैं यहां आपको बता दूं कि एक आंकड़ा दे रहा हूं, पूरे तीन ऐसे राज्य हैं, एक है आसाम, एक है बंगाल और एक है उत्तर प्रदेश, जहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसाज, ये जो मदरसाज हैं उनको स्टेट स्पॉन्सर करती है। भारत में केवल तीन ऐसे राज्य हैं, बाकी राज्यों में वो प्राइवेट चलती हैं, उनको स्टेट स्पॉन्सर नहीं करती है। इसलिए इन तीनों राज्यों में आप ऐसे विषय सुनते होंगे। जहां तक आसाम का विषय है, आसाम में 1500 मदरसा हैं और प्रतिवर्ष 262 करोड़ रुपए मदरसों के पीछे खर्च होते हैं। इसमें सबसे बड़ा घोटाला क्या है, अब मैं आपके सामने पेश करता हूं। देखिए, जब कांग्रेस की पूर्व सरकार थी, उन्होंने एक कानून बनाया था, वो कानून था इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री नोटिफिकेशन, मतलब मदरसा से भी कोई पास होता है तो उसका डिग्री मैट्रिकुलेशन में और एच ए हायर सेकेंडरी स्कूल में, दोनों में डिग्री बराबर की मानी जाएगी। मतलब आप मदरसा से पढ़ के आते हैं या आप सेंट जीवियर स्कूल से पढ़कर आते हैं या आप चिन्मया विद्यालय से पढ़कर आते हैं, सब बराबर माना जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री है। आप मैट्रिक हो सकते हैं सेंट जीवियर से या चिन्मया विद्यालय से, मगर आप अगर मदरसा से भी पढ़ के आए हैं 9 वर्ष तो आप भी वहां के मैट्रिकुलेट माने जाएंगे, आप हायर सेकेंडरी माने जाएंगे। तो इसमें बैकडोर एंट्री बहुत बड़े तादाद में हो रहा था और करप्शन का एक अड्डा बना हुआ था, और ये उचित भी नहीं है क्योंकि शिक्षा की स्तर दोनों अलग अलग हैं। यहां पर एनसीईआरटी की किताबें नहीं पढ़ाई जाती हैं, कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता है और डिग्री दोनों को आप सेम दे देंगे तो किस प्रकार चलेगा? और अंतिम बात, ये केवल मदरसे के लिए नहीं है, मदरसे बंद नहीं होंगे, मदरसों को मॉडर्न स्कूल में परिवर्तित किया जाएगा और जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को अलग स्कूल्स में शिफ्ट किया जाएगा, बच्चों को भी मॉडर्न स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि बन सके, और संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालय इत्यादि 100 ऐसे हैं, मैं ये कंप्लीट कर रहा हूं, चौथा पॉइंट, संस्कृत विद्यालय हैं 100, उनके ऊपर भी आपने कहा निर्णय नहीं हुआ, मैंने अभी बात की है और मंत्री जी ने कहा है कि उनको भी मॉडर्न विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा, उनको भी मॉडर्न विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि ये जो डिग्री इक्विवेलेंस का नोटिफिकेशन था उनके लिए भी था, वहां पर भी डिग्री इक्विवेलेंस लिया हुआ था लोगों ने। ठीक है, रफीकुल इस्लाम हमारे साथ आ गए, वो AIDUF के प्रवक्ता है। रफीकुल इस्लाम साहब, स्वागत है आपका। संबित पात्रा कह रहे हैं कि साहब मसला डिग्री के इक्विवेलेंस का है, आप कह रहे हैं कि यह संविधान के खिलाफ जाके कर रहे हैं, क्यों आपको ऐसा लगता है? देखिए, जो आसाम में सरकारी मदरसे हैं ये तो आजादी से पहले चला आ रहा है, सरकारी बाद में हुआ है, ये सिस्टम मदरसा का ये सिस्टम है, ये आजादी से पहले से चला आ रहा है, बाद में चल के ये डेफिसिट सिस्टम में काफी दिनों तक चला और 92-95 में जाके फाइनली ये प्रोविंशलाइज्ड हुआ आसाम सरकार के अंडर में, जैसे स्कूल कॉलेजेस यहाँ चलते हैं ये भी चलता आ रहा है। तो अभी हेमंत विश्व शर्मा जी जो यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर है, मैं खुद MLA हूँ उनके साथ 11 से, तो ये 15 साल से यह एजुकेशन मिनिस्टर है, जो मदरसा में अगर ये खराबी है, ये है वो है, तो पहले क्यों बंद नहीं कराया? अभी BJP की सरकार यहाँ 4-5 साल तकरीबन होने जा रहा है, ये यहाँ पावर पे आते ही इन बातों को नहीं कहा। अब हेमंत विश्व कांग्रेस में थे 10 साल, वहां भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे, इन मदरसा में जाके बहुत लंबी लंबी भाषण दी कि यहाँ अच्छी एजुकेशन है, जनरल एजुकेशन भी है, मॉरल टीचिंग रिलीजियस एजुकेशन भी है, तो दो तरह की एजुकेशन है, अच्छा इंस्टीट्यूशन है, चलना चाहिए, कितने तकरीर उनके है। लेकिन अभी इलेक्शन है सामने, इन लोगों ने जो वादा किया था वादा को पूरा नहीं कर पाया, लोगों के सामने जाने के इनके पास जो इशू जिसको लेके जाना है वो लेके जाएंगे तो इनको नुकसान होगा, इसलिए अभी देखिए ये मदरसा मस्जिद और इस तरह की बातें इनकी जो पुरानी आदत है वो कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम साहब, प्रोविंशलाइज्ड सिस्टम, आप खुद MLA हैं, आप खुद MLA हैं, आप लोगों के वोट से सदन में पहुंचते हैं उनकी बात रखने के लिए, एक, क्या आपने सदन में विरोध नहीं किया इस चीज का, और दो, क्या आप मदरसों के
मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हैं अगर सरकार ये कह रही है कि हम उनको सरकारी स्कूल में तब्दील करना चाहते हैं तो? देखिए बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं, हमने सुझाव ये दिया है आप अपग्रेड कीजिए, पहले से यहाँ 10th तक जनरल एजुकेशन है, साइंस सोशल साइंस मैथ्स आसामी हिंदी ये 10th तक है, 12th तक आप कीजिए, उसमें आर्ट्स और कॉमर्स का भी प्रोविजन आप रखिए। हमने कहा हाँ, ये हेमंत विश्व का कहना है कि कुरान और हदीस की टीचिंग नहीं देंगे, हमने ये भी कहा ठीक है उसमें भी मशवरा कर लीजिए, बात कर लीजिए, अरबी लिटरेचर भी जोड़ दीजिए, उसमें भी थोड़ा सा अगर इधर उधर करना है, लेकिन सिस्टम जो चला रहा है चलने दीजिए, ये हम बराबर उनको कह रहे हैं। रहा मसला विधानसभा में जो बोलने का, अभी बिल नहीं लाया, ये प्रोविंशियलाइज जो हुआ है एक्ट के अंदर में हुआ है, अभी उस एक्ट को ना अमेंड किया है ना उसको बातिल किया है, कोई बिल अभी विधानसभा में नहीं लाया, ना इन्होंने क्या बोलते हैं इनके कैबिनेट में पास किया है, ये जुबानी तौर पर बोलते आ रहा है हमने विरोध किया, अभी पिछले महीने में विधानसभा हुआ जुबानी तौर पर वो बोले थे हमने उसका विरोध किया, लेकिन अभी जस्ट उनका एक लेटर है, उनके जो एजुकेशन लेवल के सेक्रेटरी साहब का लेटर लेटर दिया है दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि 148 टीचर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे उनको यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे स्कूलों में लिया जाए, हमने खुद उनके पास एजुकेशन मिनिस्टर से मिले, मेमोरेंडम दिए, हमने बोला ठीक है सर।